हेलो, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय चैनल, इट्स नेहा ब्लॉग्स। आफिक जान, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, पाव भाजी, जिसको मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं कि पाव भाजी बनाने के लिए किस किस स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ये फूल गोभी और आलू को बॉयल करने से। तो इसको मैं केवल 2 से 3 विसल्स के साथ बॉयल कर लूँगी, और जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो एक मैशर की हेल्प से इसको हम मैश कर देंगे, क्योंकि पाव भाजी में जो वेजिटेबल्स हैं वो मैश ही अच्छी लगती हैं। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के चॉप्ड ऑनियन, 4 मीडियम साइज़ के चॉप्ड टोमेटोज और 1 मीडियम साइज़ चॉप्ड कैप्सिकम मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 बाउल जितनी फ्रोज़न बटर ली है, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो कि घर पे ही बना हुआ है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं 2 स्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ, और वो केवल इसलिए डाली ताकि जब मैं बटर डालूँ तो ये बटर जले नहीं। और 2 स्पून जितना ही मैंने यहाँ पे बटर लिया। बटर मेल्ट होते ही इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। तो आप किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हो, और उनको एक अच्छे से मिक्स दे देंगे। फिर ये मसाले पक जाएंगे थोड़े से, तो इसमें हम चॉप्ड टोमेटोज और कैप्सिकम डालेंगे। ऑनियन का इस्तेमाल हम इसको बाद में करेंगे, और फिर इसको अच्छे से मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं पीस भी यहीं पे डाल दे रही हूँ, फ्रोज़न है ये, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देंगे ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाएंगी, और इसको फिर 5 मिनट्स के लिए हम बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम फिर से इसको ओपन करके देखेंगे, और सब्ज़ी यहाँ पे हल्की हल्की सी पक गई है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको दोबारा से 5 मिनट के लिए इसको फिर से ढक कर रख देंगे ताकि और अच्छे से पक जाए। अब आप देख सकते हैं सब्ज़ी 5 मिनट के बाद अच्छे से पक गई है। इसको मैशर की हेल्प से मैंने मैश कर दिया, और फिर से मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक दिया है। और ओपन करने के बाद देखेंगे सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। उसको हम पैन से निकाल इसको हम पैन से निकाल लेंगे, और इसी पैन में हम फिर से डालेंगे 2 स्पून जितना बटर, और इसमें 2 बड़े स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च, और 3 बड़े स्पून जितना पाव भाजी मसाला। मैंने इसमें और किसी भी मसालों का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पाव भाजी मसाला खुद में एक सफिशेंट होता है पाव भाजी बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पर इसमें डाला है नमक, तो नमक आप सोच के ही डालें, क्योंकि बटर में भी ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो ऑनियन थे वो मैंने इसमें ऑनियन ऐड कर दिए हैं, और थोड़े से ऑनियन मैंने बचा के रखे हैं गार्निश के लिए। और यहाँ पे मैं डालने जा रही हूँ कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी को आप क्रश करके डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने अब आधी कटोरी जितनी पानी डाल के इसको बंद करके रख दिया है, और 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है, यानी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पकाने के लिए फिर से रख दिया है। अब इसमें वो जो मैंने मैश कॉलीफ्लावर और पोटैटोज़ थे उसको मैंने इसमें ऐड किया है, और बाकी जो मैंने सब्ज़ी बाद में बनाई थी उसको ऐड किया है, और उसको अच्छे से मिक्स दे दिया है। तो अब केवल एक प्रोसेस रहता है इसका अच्छे से पकने का, बाकी सब कुछ इसमें ऐड हो चुका है। तो मैं बटर, मेरा फेवरेट है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया बटर, क्योंकि बटर से फ्लेवर पाव भाजी का बहुत ही अच्छा आ जाता है, बहुत ही क्रीमी फ्लेवर होता है पाव भाजी का बटर डालने से। तो अब इसको फिर से मैं मैशर से हेल्प से इसको अच्छे से वो कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें और ऐड किया है, क्योंकि आप अपनी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जिस भी कंसिस्टेंसी में आपको पाव भाजी पसंद है, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी पसंद है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है रेड फूड कलर, दिस इज़ टोटली स्किपेबल। अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बस हमारी पाव भाजी तैयार ही हो गई है, क्योंकि आप इसको जितना अच्छे से फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ पाव को सेकने का काम। तो मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, और इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। इसको एक मिक्स करने के बाद मैं इसी में पाव सेकूँगी, और ये इस टाइप से अगर आप पाव सेकेंगे तो आपके एकदम बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल पाव सेकेंगे, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो मैं उसके दूसरी साइड पे भी बटर लगा दे रही हूँ, और जब एक साइड पे सिक जाएंगे तो उसको बस थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे, और ये देखिए एक साइड से कितना अच्छा कलर आया है। और बस हल्का सा सेकना है, पाव को बहुत ज़्यादा नहीं सेकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं भाजी के साथ। तो ये मेरी हो गई है पाव भाजी की प्लेटिंग, और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये पाव भाजी। आप इसको गार्निश कर सकते हैं बटर, ऑनियन, लेमन के साथ। आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
टिल देन बाय, टेक केयर।